हेलो गाइस, वेलकम टू हेल्थ एंड लाइफ एडवाइस चैनल। आज हम लोग जानेंगे आइसक्रीम मैजिक, आइसक्रीम मेकर के बारे में। ये जो आइसक्रीम मेकर है बहुत ही आसानी से आइसक्रीम बनाने में आपको हेल्प करेगा। ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। आज मैं आपको इसका रिव्यू देने जा रहा हूँ कि ये कैसा है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको आज इसके बारे में कम्प्लीट रिव्यू दूंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें ब्रांडिंग है आइस मैजिक आइसक्रीम मेकर। ये आपको किसी भी बड़े मॉल में मिल जाएगी, बिग बाज़ार वगैरह में आसानी से मिल जाती, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और आप इसके जो मैन्युफैक्चरर उसके बारे में देख सकते हैं, ये गोडानी प्लास्ट एक कंपनी है, उसके द्वारा ये बना हुआ है। फूड ग्रेड प्लास्टिक है, BPA फ्री है, और ये जो गोडानी प्लास्ट कंपनी है उसकी ये प्रोडक्ट है। और इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों, आप इसको ऐसे अंदर से पुश करके निकालें और ये अंदर से ऐसे बाहर आ जाता है। और आप इसको बिल्कुल दोस्तों, जैसे मैं अभी आपको निकाल कर दिखाता हूँ, ये मैंने इसका एक पीस को निकाल लिया है दोस्तों। और ये चार आइसक्रीम एक बार में आप बना सकते हैं। और ऐसा अगर आपको बड़ा वाला सेट चाहिए तो बड़ा सेट भी अवेलेबल है दोस्तों मार्केट में, आपको जैसा भी सेट चाहिए मिल जाता है। और इसको जैसे मैं अभी आपको पूरा रिव्यू देके दिखाता हूँ कि ये कैसा प्रोडक्ट है, इसको कैसे, क्या इसका बेनिफिशियरी पार्ट है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप देखें दोस्तों, मैंने इसको यहाँ पर अलग अलग करके पहले आपको दिखाता हूँ क्या है इसके अंदर। आप देख सकते हैं इसमें चार कोन मिलते हैं दोस्तों, 1, 2, 3 और ये चौथा यहाँ पे। ये जो चार प्रोडक्ट हैं, और ये गोडानी प्लास्ट का जो प्रोडक्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें चार, ये जो आप देख सकते हैं एक स्टिक टाइप का प्रोजेक्शन है, ये जो स्टिक टाइप का बाहर निकला हुआ, ये एक्चुअली आइसक्रीम को होल्ड करने में हेल्प करता है। आप इसके अंदर तक फिलअप कर सकते हैं। और ये ABS प्लास्टिक का बना हुआ है, BPA फ्री है, यानी फूड ग्रेड का है। इसको कोई नुकसान नहीं होगा फूड का, इस पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता फूड पर, जो है ये कम्प्लीटली सेफ है। आप इस पर आइसक्रीम बनाओ, ये हेल्थ के लिए कोई हार्म नहीं करेगा क्योंकि ये BPA फ्री प्लास्टिक है। तो आप इस पर अपना आइसक्रीम जैसे ही जमाओगे, ये इसको होल्ड करने में, उसको पकड़ने में हेल्प करता है दोस्तों। तो उसको होल्ड करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा होल दिया हुआ है और ये इसको होल्ड करने में हेल्प करता है। ये नीचे का बेस है जिसको आपको पकड़ना होता है, इसके ऊपर की आइसक्रीम आप खा सकते हैं। तो आइसक्रीम बनाने के लिए बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार तरह के हैं, ये दो एक तरह के हैं, एक और ये एक, ये दो सेम तरह के हैं और ये जो दो हैं ये अलग तरह के हैं। ये थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश वाला आइसक्रीम बनेगा और ये थोड़ा आपका जो कर्व कर्व जैसा डिज़ाइन बनेगा उसके लिए है। तो दो अलग डिज़ाइन के आपको यहाँ चार आइसक्रीम आप बना सकते हैं। और इसको फिट करना बहुत ही आसान है दोस्तों, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप ऐसे करके इसको ईज़िली फिट कर सकते हो दोस्तों। आप उसके बाद दूसरा वाला भी आप इसी तरह फिट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। दो मैंने फ़िट कर दिए, इसी तरह आप दो और को भी फ़िट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको उल्टा करके रख देता हूँ और मैं इसको ऐसे फ़िट किया, तीसरा फ़िट कर लिया मैंने यहाँ पर, चौथा भी फ़िट कर लिया। ऐसे मैंने आपको चारों फ़िट करके दिखा दिया दोस्तों। और आपको करना कुछ नहीं है, आपको कंडेंस मिल्क लेना है, आपको क्रीम लेनी है, अगर आपको वनीला फ्लेवर की चाहिए तो वनीला एसेंस डाल दें, अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर की चाहिए तो डेयरी मिल्क या चोको चिप्स ये सब डाल दें, और चॉकलेट का जो फ्लेवर आता है नेचुरल वो वाला आप इसमें डाल सकते हैं, यानी चॉकलेट का जो बाजार में रेडीमेड आता है उसका फूड कलर वगैरह आप उसको डाल सकते हैं चॉकलेट के लिए, चोको चिप्स डाल सकते हैं, और आप अपने मनपसंद आइसक्रीम को उसमें बना सकते हैं। करना कुछ नहीं दोस्तों, बस इसको फिलअप करके आप भर दो ऐसे करके फ्रिज में, और इसको चारों को भर के, चाहे आपको दो खानी या तीन खानी, जितना भी आपको खाना है आप भर करके इसको फ्रीजर पर ऐसे रख दो। ये क्या करेगा दोस्तों, सेट हो जाएगा, जम जाएगा, फिर आप उसको ऐसे टेकआउट करोगे तो बिल्कुल एक अच्छी सी आइसक्रीम निकलती है और आप उसको खा सकते हो। और ये बिल्कुल सेफ़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता प्लास्टिक का, इसका बिल्कुल फूड ग्रेड का है। और आप अगर चाहें तो इसको उल्टा करके भी रख सकते हैं, अगर आपको इस पार्ट में आइसक्रीम के कोन नहीं चाहिए, इस पार्ट में आइसक्रीम नहीं चाहिए यहाँ बेस पार्ट में, तो आप इसको उल्टा करके रखें, सिर्फ आगे वाले हिस्से में ही आइसक्रीम जमेगी। और आपको पूरे में चाहिए तो इसको ऐसा सीधा करके रख सकते हैं, सीधा करके रखेंगे तो पूरे में आइसक्रीम आती है और अच्छे से पूरी सेट हो जाती है। तो सीधा रखना में ही ज़्यादा बेनिफिट है, तो आप सीधा रखें और फिर अपने आइसक्रीम को निकाल करके इसका स्वाद ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फैमिली के साथ आइसक्रीम ज़रूर बना के खाएँ, ऐसा आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट में। और तब तक के लिए बाय बाय।